अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दिखाई थी, कोई किसी एवीरी का टूर नहीं करवाया था। तो आज मैं आया हूँ आपके लिए। मेरे दोस्त हैं बिलाल, उनके फॉर्म पे ये इन्होंने रिसेंटली एक्वायर किया है और इसको एक्सपेंड किया है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्म है इसमें मेनली रिंगनेक्स और रा हैं और बहुत सारे और भी बर्ड्स हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी कम हैं बनिस्बत रा और रिंगनेक के। मैं आपको अभी इसका थोड़ा सा डिटेल टूर करवाता हूँ। आइए पहले हम एक एक बर्ड की इंस्पेक्शन करते हैं। ये लुटिनो रिंगनेक्स हैं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी, और क्योंकि ये बाहर से ओपन है, फ्रेश एयर सर्कुलेट करती है, तो बर्ड्स की हेल्थ और जो काउंट ऑफ ब्रीड है, मतलब दो क्लचेस तो बड़े कॉमन हैं और तीन क्लचेस भी करता है। ये देखिए, ये ब्लू रिंगनेक है। मैं इसके बाद से थोड़ा सा फोकस भी करता हूँ। ये ब्लू रिंगनेक है, आजकल वैसे ही बड़ा नायाब हुआ हुआ है, मुश्किल से मिल रहा है और बहुत हाई प्राइसेस। ये बड़ा खूबसूरत एल्बिनो, और ये एक और पेड़ है, ये भी बड़ा खूबसूरत कंप्लीट लेंथ में। ये लुटिनो पेड़ है, ये भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। फिर ये देखें, ये एक और पेड़ है एल्बिनो, ठीक है। ये जो बर्ड स्टिक पर बैठा हुआ था, इसका स्टांस बहुत अच्छा था। ये देखें एक और बर्ड, फिर ये एक और क्रीमिनो, ये भी बड़े खूबसूरत डार्क फैक्टर में है, डबल फैक्टर है। ये एल्बिनो इनटू क्रीमिनो, फिर ये एक पेयर और आ गया लुटिनो, सही प्रॉपर येलो कलर में, डार्क कलर में। फिर ये देखिए एक और पेयर है, फिर ये देखिए ये एक और क्रीमिनो पेयर है, ये भी बड़े ज़बरदस्त फैक्टर में है। एक और क्रीमिनो इनटू एल्बिनो, ये क्लियर हेड है, खूबसूरत पेयर है ग्रे। और ये देखिए ये एक और ग्रे है, ये फिर आ गया आपका एक और क्लियर टेल, ये देखें ये एक और क्लियर टेल, ये देखें ये कुछ और क्लियर टेल्स हैं, साथ उनके बच्चे हैं। और ये मैंने विज़िट किया था अराउंड अगस्त, तो सेपरेट नहीं हुए हुए थे बर्ड्स अभी पेरेंट्स से, बहुत सारे आखिरी क्लचेस के। ये अगेन लुटिनो, लुटिनो। फिर ये जो लुटिनो है ये भी बड़ा खूबसूरत और डार्क कलर में, ये सन कनोर्स हैं जी, ये भी बड़े ज़बरदस्त और आजकल का न्यू फैशन है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पेयर्स लगे हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। ये एक और पेयर है, इसका ज़रा कलर देखें आप, डार्क। फिर ये एक और सन कनोर है, ये कुछ फॉर्म के साइड पे ना, जहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, वहाँ पे कुछ ये फैंटेल्स हैं, अच्छे कलर में हैं, इंडियन फैंटेल्स हैं। इनकी कलर थीम बड़ी खूबसूरत और बड़ी अट्रैक्टिव है। ये देखें ये फ्रिल बैक हैं, ये भी बड़े क्वालिटी में अच्छे बर्ड्स हैं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी नहीं है। और ये कुछ और केजेस बने हुए हैं जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था, बहुत ही खूबसूरत। ये भी, फिर ये कुछ वाइट पिजन्स में वैरायटी है। फिर ये भी कुछ ब्रीड कर रहे थे, ये भी बड़ा खूबसूरत फैंटेल है, इसका भी कलर बहुत ही खूबसूरत है।
ये एक्स पे है, ये एक दूर से व्यू है इस एक साइड का, एक सेक्शन का। फिर आइए मैं आपको इसके अलावा जो दूसरे सेक्शंस हैं उनकी भी सैर करवाता हूँ। ये जो ट्रीज नज़र आ रहे हैं ना, इनके पीछे भी छुपे हुए केजेस हैं जिसमें ये वाले रिंगनेक्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मल ग्रीन रिंगनेक्स हैं, ये यहीं पड़े रहते हैं इसी दरख्तों के नीचे, और ये बड़ा अच्छा यहीं पे ब्रीड करते हैं। अभी बॉक्सेस उतरे हुए हैं, ये कुछ पिजन्स भी यहीं पे पड़े हुए हैं, कुछ रिंगनेक्स भी पड़े हुए हैं, और ये बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं इस ओपन एयर में, बगैर किसी कवर के, बगैर किसी मेहनत किए हुए, क्योंकि ये शुरू से यहीं पे सेटल्ड हैं और बस इनको सीज़न आता है तो बॉक्सेस लगा दें, तो ये अपने बच्चे भी पालते हैं, और अगर फॉस्टर करना हो तो ये उसके लिए भी बड़े बेहतरीन है। फिर कुछ और खुफिया ख़जाने हैं जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये देखें, ये इस दफ़ा की राह की ब्रीड है, सारी होल्ड बैक की हुई है, कुछ पिछली दफ़ा के भी शायद इसमें हैं, और ये तकरीबन गुड 100+ बर्ड है जो कि होल्ड हुआ है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम्स में ये तैयार हो जाएगा तो ब्रीडिंग स्टॉक के अंदर शामिल हो जाएगा। ये एक काफ़ी बड़ी सी फ्लाइट ये है। फिर इसके अलावा कुछ रिंगनेक है, वो भी नेक्स्ट आने वाले सीजन्स के लिए होल्ड किया हुआ है, जो फॉर्म का ब्रीड था वो भी तकरीबन 100+ बर्ड होगा, तो इसके साथ वाली फ़्लाइट में ये देखें, इसमें कुछ ग्रीन है, कुछ येलो है, कुछ अल्बिनो है, तकरीबन जो जो भी बर्ड प्रोड्यूस हुए वो सब वैरायटी ऑलमोस्ट होल्ड है। इसमें सन कनोर हैं, ये सब वही उन्हीं पेयर्स के बच्चे हैं जो मैंने भी आपको पहले भी ब्रीडिंग सेटअप में दिखाए हैं। ये कुछ सेपरेट केज बाय केज अभी भी लगे हुए रहा हैं, और अच्छी क्वालिटी में बर्ड्स हैं, पूरे कंप्लीट साइज़ में और अपनी फॉर्म में। ये केजेस में इसलिए हैं अभी तक कि ये अभी तक कोई ना कोई बच्चे पाल रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं सीज़न की, लेट ब्रीड हुए में हैं। ये कनोर है, ये भी अच्छा ब्रीड कर रहा है, वो पीछे जो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ठहरे मैं फोकस करता हूँ, वो इसी पेयर के बच्चे हैं, यंग वंस हैं, कुछ एक दो दिन पहले ही बस बाहर आए हैं बॉक्सेस से, तो कुछ दिनों में सेल्फ हो जाएंगे। ये एक और पेयर है, ये अभी ब्रीडिंग ख़त्म कर चुका हुआ है, तो सेपरेट कर देंगे इसको और बॉक्स शॉक्स उतार देंगे ताकि नेक्स्ट सीज़न के लिए फिर इसको प्रिपेयर किया जा सके। फिर आपको ना एक और भी स्पेशल कुछ कलेक्शन है, ठहरे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक और ग्रीन रिंगनेक है, ये देखिए कोकोनट लॉरी, बड़ी खूबसूरत, और इसने भी अच्छा ब्रीड किया हुआ है। ये एक पेयर है और दो उसके बच्चे हैं, और बच्चे तकरीबन सेल्फ हो गए हुए हैं और बॉक्सेस से बाहर आ रहे हैं। तो ये था जी हमारा एक छोटा सा टूर, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये टूर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद वीडियोस के साथ, मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ जल्दी आपके पास हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ आकाश महमूद।